हेलो एवरीवन, आज भी बहुत से लोग नहीं जानते कि फ्लॉसिंग क्या है और क्यों जरूरी है। इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि फ्लॉसिंग कैसे की जाती है और फ्लॉसिंग करना जरूरी क्यों है। दो दांतों के बीच की सफाई को फ्लॉसिंग बोलते हैं। जैसे प्लेक और बैक्टीरिया दांत के ऊपर जमा होता है, वैसे ही दो दांतों के बीच भी जमा होता है। इससे आगे जाकर कैविटीज डेवलप हो सकती हैं या खाना डिपोजिशन की वजह से स्पेसिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है। फ्लॉसिंग के लिए आप करीब 18 इंच का फ्लॉस लीजिए। उसका कुछ हिस्सा अपने दोनों हाथों के इंडेक्स फिंगर में रैप करके उससे अंगूठे और उंगली के बीच में टाइटली पकड़ें। अब इसे हल्के रबिंग मोशन में दो दांतों के बीच में ग्लाइड करें और फिर सी शेप से कम लाइन तक रबिंग मोशन में ऊपर नीचे मूव करें। ऐसे ही अब दूसरे दांत के बीच की सफाई के लिए फ्लॉस के नए सेक्शन का इस्तेमाल करें। सेम सेक्शन को दो अलग दांतों के बीच यूज ना करें। आप स्ट्रिंग की बजाय यूनिफ्लॉस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कम स्पेस के लिए फ्लॉस का इस्तेमाल करें और ज्यादा स्पेस इम्प्लांट्स या क्राउन के नीचे इंटरडेंटल ब्रश का इस्तेमाल करें। इसे हाथों से रिगलिंग मोशन में यूज करें और जब इसके ब्रिसल्स फैल जाए या मेटल टूट जाए तब इसे डिस्कार्ड कर दीजिए। ये ब्रेसेस, इम्प्लांट्स, क्राउन टीथ या ज्यादा स्पेसिंग वाले जगह खाना फंसने की समस्या में यूज में आता है। डॉक्टर अंकुर गोयल का कहना है कि आप दांतों को साफ और हेल्दी रखने के लिए दिन में एक बार ब्रश करने से पहले फ्लॉस जरूर करें।